हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज जो 12th क्लास के जो जिन्होंने CBSE से 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए खुशखबरी है। उनका 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना रिजल्ट कैसे देखना है क्लास 12th के लिए। ये सभी जोनों का, जितने भी स्टेट से, सभी स्टेट का रिजल्ट CBSE ने अनाउंस कर दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊं। सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, वहां पे आप आ जाइएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में क्लिक करने के साथ ही आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइएगा। वहां पे आपको डिटेल दिया होगा क्या क्या फिल करना है, वो डिटेल्स आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा ब्लू कलर का, ऐसे देखिए ये लिखा हुआ है, क्लिक हेयर टू सी CBSE 12th रिजल्ट। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपका एक नया पेज ओपन होके आएगा। ये यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फुलफिल करना है, जैसे कि आपको पहले कॉलम में फिल करना है आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको आपका स्कूल का नंबर होता है वो एंटर करना है, उसके बाद आपका सेंटर नंबर, ये सारी आपके एडमिट कार्ड पे डिटेल होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड नंबर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1223 जो भी है एक्सेट्रा, वो ऐसे फिल कर ले, 7 डिजिट का जो भी होता है। उसके बाद आपका स्कूल नंबर होगा 3-4 डिजिट का, वो भी आप फिल कर ले। वैसे ही आप सेंटर कोड का नंबर फिल कर दे सिंपल सा। उसके बाद एडमिट कार्ड का नंबर आप ऐसे फिट करें और फिट करने के बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, और जिन बच्चों को रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम आ रही हो वो अपना रोल नंबर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर दे, ताकि मैं उनका रिजल्ट देख के बता सकूं। एक्चुअली हमारे पास अभी किसी बच्चे का रोल नंबर है नहीं 12th का, तो इसलिए मैं शो करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। ये लिंक है आपके वेब जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है, ये वेबसाइट का लिंक, और आप देख पा रहे होंगे ये 12th का रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन जरूर दबाइएगा। बिहार डेलीगेशन से चंदन कुमार।